गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कल हमने क्या समझा था? हमने कल नाउन नाउन समझा था कि नाउन क्या होता है, और उससे रिलेटेड हमने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी देखी थी, मतलब फॉर एक्सप्लेनेशन ओनली। मैंने बोला था आपको कि नोटबुक का वर्क हम आज वाले वीडियो में करेंगे। कल जितना भी वर्क किया था हमने, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, मीन्स आपको बस समझना था कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कोई भी सेंटेंस में से नाउन, और नाउन एक्चुअल में होता है क्या है, क्या होते हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, है ना। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं तो जल्दी से कि क्या था नाउन। देखो नाउन में क्या क्या आता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये चार चीज़ें इंक्लूड होती हैं एंड द टॉपिक नाउन। अब पर्सन क्या होते हैं, हमारी तरह जो लोग घूमने जाते हैं, खाते हैं, कहीं काम पे जाते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं पर्सन। जैसे कि फादर, बॉय, टीचर, डॉक्टर, नर्स, ये सब क्या होंगे, पर्सन होंगे। फिर प्लेसेस, कोई भी घूमने की जगह, काम करने की जगह, उसको हम बोलेंगे प्लेस। जैसे कि ताजमहल, होटल, ब्रिज, बैंक, हॉस्पिटल्स, मार्केट, स्कूल, ये सब क्या, किसके अंदर आएंगे, ये प्लेसेस। देन एनिमल्स, एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जानवर, एलिफेंट, टाइगर, हॉर्स, कैट, तो बहुत जितने भी जानवर हैं वो कौन है, एनिमल्स। नाउ थिंग्स, चीज़ें क्या होती हैं, जो चीज़ बोल नहीं सकती, हमारी तरह खाना नहीं खा सकती, जिन चीज़ों को हम एक जगह से दूसरी जगह तक उठा के ले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं थिंग्स। थिंग्स में क्या आएगा, आइसक्रीम, पेंसिल, कैप, रिक्शा, कार, स्कूटर, डस्टबिन, चेयर, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, थिंग्स में आएंगी। तो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये चारों चीज़ें इंक्लूड होती हैं नाउन में, और हम कह सकते हैं चारों चीज़ें मिलके बनाती हैं नाउन। किसी भी सेंटेंस में आपको पर्सन का नेम दिख जाता है तो वो होगा नाउन, किसी भी सेंटेंस में आपको प्लेस का नाम दिख जाता है तो वो होगी नाउन, किसी भी सेंटेंस में आपको एनिमल का नेम दिख जाता है तो वो होगा नाउन, किसी भी सेंटेंस में आपको थिंग का नेम दिख जाता है तो वो होगा नाउन। मतलब आपको इन चार चीज़ों पे फोकस करना है, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। ओके, अब हम करते हैं एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस। ओके, बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स क्या होती हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फादर है, होटल है, ये सब क्या है, ये नेमिंग वर्ड्स हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, नेमिंग वर्ड्स। अगर कोई क्वेश्चन करता है कि नेमिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, सो यू विल से यस, नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिटन वर्क। अब हम जो भी वर्क करेंगे वो किस में करेंगे, ग्रामर नोटबुक में करेंगे, ग्रामर की नोटबुक में आपको ये वर्क करना है। नाउन डेफिनेशन राइट करना है, पहले डेफिनेशन हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। अ नाउन is a word that names a person, place, thing or animal. Noun क्या है, noun वो word है जो कि हमें name देता है, नाम बताता है किसका, person, animal, thing या फिर place का। आपने सुना होगा a noun is a name of person, place, thing or animal, आप वैसे भी लिख सकते हैं, पर वो क्या बहुत old हो गया, सब लोग वैसे ही लिखते हैं, तो हम थोड़े से new way में लिखेंगे। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी, अभी क्या हो गया, कोई पर्सन का नेम। कोटा, कोटा क्या हो गई, प्लेस। टेबल, टेबल क्या हो गई, थिंग। और कैट, कैट क्या हो गया, एनिमल। नाउन में चार चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, पर्सन की जगह आप कोई भी नेम राइट कर सकते हैं, प्लेस की जगह भी आप कोई भी नेम राइट कर सकते हैं, थिंग की जगह कोई भी नेम राइट कर सकते हैं, एनिमल की जगह आप कोई भी नेम राइट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अंडरलाइन अ नाउन। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, नाउन अंडरलाइन करनी है। फाइव सेंटेंसेस दिए हैं, हर सेंटेंस में आपको जहाँ जहाँ नाउन दिखता है उसको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट इज वी आर गोइंग टू द पार्क। वी आर गोइंग टू द पार्क। अब हम कहाँ जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं। तो पार्क क्या हुआ,
प्लेस हुई पार्क जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, ऐसी जगह, तो पार्क क्या हो गई? प्लेस। और प्लेस किस में आता है? नाउन में आता है, तो क्या हो गया? पार्क, नाउन। इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। सेकंड, माय रूम इज़ वेरी मेसी। माय रूम इज़ वेरी मेसी। मेरा रूम कैसा है? बहुत मेसी है, इधर उधर चीज़ें उसमें पड़ी रहती हैं। रूम किस में आ जाएगा? रूम बोल नहीं सकता, रूम खाना नहीं खा सकता, है ना? आपका रूम खाना खा सकता है क्या? नहीं खा सकता ना, तो क्या हो गया? थिंक हो गया। तो थिंक किस में आता है? नाउन में। तो रूम को कर देंगे हम अंडरलाइन। नेक्स्ट, इट इज़ टाइम टू गो टू स्कूल। इट इज़ टाइम टू गो टू स्कूल। क्या ये कौन सा समय है? स्कूल जाने का समय है। तो स्कूल क्या हो गया? प्लेस हो गया स्कूल। तो स्कूल को कर देंगे हम अंडरलाइन। सैम इज गोइंग टू न्यूयॉर्क। सैम इज गोइंग टू न्यूयॉर्क। सैम कहाँ जा रहा है? न्यूयॉर्क जा रहा है। अब सैम किसी पर्सन का नेम हो गया, तो सैम को कर देंगे हम अंडरलाइन। और न्यूयॉर्क एक प्लेस का नेम हो गया, तो न्यूयॉर्क को भी हम कर देंगे अंडरलाइन। लास्ट, द शॉप इज क्लोज टूडे। द शॉप इज क्लोज टूडे। दुकान क्या है? आज बंद है। तो शॉप क्या हो गई? नाउन। शॉप को कर देंगे हम अंडरलाइन। ठीक है, तो ये 5 जो सेंटेंसेस हैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से राइट करने हैं अपने नोटबुक में। वी आर गोइंग टू द पार्क एंड पार्क इज नाउन। माई रूम इज वेरी मेसी। रूम इज नाउन। इट इज़ टाइम टू गो टू स्कूल। स्कूल इज नाउन। सैम इज गोइंग टू न्यूयॉर्क। सैम एंड न्यूयॉर्क बोथ आर नाउन। द शॉप इज क्लोज टूडे। शॉप इज नाउन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2। अरेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द टेबल। अब हमको इन वर्ड्स को अरेंज करना है हमारी टेबल के अकॉर्डिंग। अब टेबल में आप नोटिस करेंगे, एक साइड राइट है पर्सन, एक साइड लिखा हुआ है प्लेस। तो अब ये बहुत सारे जो वर्ड्स दिए ना आपको, इनमें से आपको अलग करना है कि पर्सन के नेम कौन से हैं और प्लेस के नेम कौन से हैं। तो पहले नेम्स रीड कर लेते हैं हम। नर्स, बॉय, स्कूल, मॉल, फायरमैन, बीच, कैसल, बेबी, किचन, पीटर, हॉस्पिटल, जैक, रवि, मार्केट। अब ये रीड करने से आपको पता पड़ गया होगा कि कौन सा पर्सन का नेम है और कौन सा प्लेस का नेम है। तो हम इनको अलग अलग करके राइट करेंगे। नर्स, नर्स किसका नेम हो गया? पर्सन का नेम हो गया, तो नर्स आ जाएगा पर्सन वाले कॉलम में। बॉय, बॉय किसका नेम हो गया? पर्सन का नेम हो गया, तो बॉय भी आ जाएगा पर्सन वाले कॉलम में। स्कूल, स्कूल क्या हो गई? प्लेस हो गई, तो इस प्लेस के नीचे आ जाएगा स्कूल। मॉल, मॉल भी क्या हो गया? प्लेस हो गई। फिर फायरमैन, फायरमैन कौन? पर्सन। देन बीच, बीच क्या हो गया? प्लेस। कैसल, कैसल मतलब महल, वो भी क्या हो गया? प्लेस। बेबी, बेबी कौन हो गया? पर्सन में आ गया बेबी। किचन, किचन भी हो गई लगे। देन पीटर, पीटर भी पर्सन में आएगा। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी प्लेस में आएगा। जैक, जैक भी पर्सन में। रवि पर्सन। लास्ट मार्केट, ये क्या हुई? प्लेस हुई। तो पर्सन में कौन कौन सी चीज़ें आई? नर्स, बॉय, फायरमैन, बेबी, पीटर, जैक, रवि। और प्लेस में कौन से नेम आए? स्कूल, मॉल, बीच, कैसल, किचन, हॉस्पिटल, मार्केट। तो ये क्या हुए? हमने पर्सन और प्लेस की नेम्स अलग अलग करके राइट किए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द नाउन। अब हमें बहुत सारे वर्ड्स गिवन हैं, हमें इनमें से जो भी नाउन है उस पे सर्कल करना है। पहले रीड कर लेते हैं हम। हैप्पी, पिलो, गोट, मेक, बॉय, डेस्क, बॉक्स, अप, फास्ट, लैम्प, काइट, सॉन्ग, फास्ट, डांस, रग, वाटर, पेंसिल, बुक, ड्रॉ, स्नो, ईट, स्लो, टाल, स्काई, मंकी, गर्ल, सन। अब इनमें से नाउन कौन कौन सा है? हैप्पी, पिलो, गोट।
गोट क्या हुआ? एनिमल, तो गोट भी हुआ नाउन, फिर सर्कल करेंगे हम। देन पिलो, पिलो भी नाउन हुआ क्योंकि पिलो बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, क्या हो गया, पिलो थिंग में आ जाएगा। मेक बॉय, बॉय किस में आया? पर्सन में। डेस्क, डेस्क किस में आया? थिंग में। बॉक्स, बॉक्स किस में आया? थिंग में। अप फास्ट, लैम्प, लैम्प किस में आया? थिंग में। काइट सॉन्ग, काइट भी किस में आएगा? थिंग में। फास्ट डांस रग, वाटर पेंसिल, पेंसिल थिंग, बुक थिंग, ड्रॉ स्नो, ईट स्लो, स्नो क्या हुई? बर्फ, बर्फ भी किस में आएगी? थिंग में। स्लो टावल, टावल भी थिंग में आएगा। स्काई, स्काई बादल किस में आएगा? थिंग में। मंकी एनिमल, गर्ल पर्सन सन, ये सारी क्या हो गई? हमारी नाउन हो गई जिनको हमने सर्कल किया, पिलो गोट बॉय डेस्क बॉक्स क्लैम्प काइट पेंसिल बुक स्नो टावल स्काई मंकी गर्ल सन, क्या हो गए सब ये नाउन हो गए। तो क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन थ्री, ये वर्क करना है आपको ग्रामर नोटबुक में। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले क्या राइट करना है? डेफिनेशन राइट करना है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे काइंड ऑफ नाउन्स, नाउन्स कितने टाइप के होते हैं, ये अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में मेंटेन करिएगा अपनी ग्रामर नोटबुक। ओके, थैंक यू।